बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं हूं सर असदुल्ला आपके साथ एक नई खुशनाबदी के साथ। सर आज का सवाल जो है वो पैथागोरस थ्योरम के हवाले से। आपको पता है सर पैथागोरस थ्योरम जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल के साथ ही होता है। पैथागोरस थ्योरम जो इन्वॉल्विंग जो होती है राइट एंगल ट्राइंगल के साथ होती है। तो इनके अंदर तकरीबन दो ट्राइंगल हैं सर। एक ट्राइंगल है ए बी डी और एक ट्राइंगल है बी डी सी, या आप सी बी डी कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये जो दो एंगल्स हैं ये राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने जो साइड होती है हमें पता है वो हिपाटिन्यूज कहलाती है। इस राइट एंगल के सामने जो होती है ये हिपाटिन्यूज कहलाती है। तो इस हवाले से जो फार्मूला है सर हमें पता है कि जो भी हिपाटिन्यूज की इस ट्राइंगल के अंदर मेजरमेंट हुई हम उसको स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर वो बराबर होता है ये बेस और परपेंडिकुलर दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर, यानी दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो बराबर जवाब आता है। यानी इसका बुनियादी फार्मूला है एश स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब सर मसला ये है कि हमें चाहिए बी का वैल्यू। बी का वैल्यू नहीं मिला हुआ, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हिपोटेन्यूज है। ठीक है सर, तो अब हम बेस के हवाले से ये अपना जो है फार्मूला बनाएंगे। तो कैसे बनेगा सर वो बेस बनाएंगे। बेस इज इक्वल तो ये प्लस जो पी स्क्वायर है वो जाकर एश स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, यानी एश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बेस का वैल्यू रखेंगे, बेस का अच्छा बेस का वैल्यू तो फाइंड करना है हमें। एश का स्क्वायर इसका हिपाटिन्यूज का वैल्यू रखेंगे सर। हिपाटिन्यूज का वैल्यू है 20, उसका स्क्वायर करते हैं माइनस। परपेंडिकुलर का क्या वैल्यू है सर 12, 12 का स्क्वायर करते हैं। चलो इनके फॉन्ट छोटे करते हैं सर। बी स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर 400 माइनस 12, 144, तो 144 आ गया। अब बेस स्क्वायर का क्या जवाब आया सर? बेस स्क्वायर का 400 में अगर 144 माइनस करेंगे तो आप 256 जवाब आएगा। अब सर हमें चाहिए क्या? हमें सिर्फ बी का वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर का नहीं। तो हम क्या करेंगे? रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे। रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो क्या जवाब आएगा सर? जवाब आएगा बी इज इक्वल 256 का रूट आएगा, जो रूट है 16, जो रूट है सर 16, यानी बी बराबर है 16 के। अब सर ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल इसका जो लाइन है वो बी सी है और हमें चाहिए था ए सी। अब हमें इस जो लाइन का टुकड़ा है इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें इस पर दोबारा अपनी इक्वेशन ये जो है थ्योरम वाली वो लगानी पड़ेगी, यानी एश स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमें बेस चाहिए, ये बेस की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे? बेस स्क्वायर बराबर एश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बेस का वैल्यू हमें फाइंड करना है। हिपाटिन्यूज इसकी क्या है सर? इसके सामने जो है ये है 13, 13 का स्क्वायर करके पी क्या है सर 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर जवाब आएगा 169 माइनस 145। ठीक है सर, तो क्या आएगा बी स्क्वायर बराबर जवाब सर? बी स्क्वायर बराबर आएगा 169 में से 145 माइनस करेंगे तो जवाब 25 आएगा। अब हमें क्या चाहिए सर? हमें सिर्फ और सिर्फ बी का वैल्यू चाहिए। यहाँ हमने बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड किया है तो हम रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पर बी जवाब आएगा और यहाँ पर 5 जवाब आएगा। इसका मकसद ये है कि ये बी का जो वैल्यू था वो वैल्यू अब 5 हो चुका है। तो ये कह रहा है हमसे, पूछ क्या रहा है सर? ये कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए सी, ये ए से लेकर सी तक, ये यहाँ तक इसकी मेजरमेंट 16 और यहाँ तक इसकी मेजरमेंट 5, यानी 16 प्लस 5 इज इक्वल 21। राइट आंसर हमारा होगा 21, यानी सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन सर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।